नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED SCBI RSBI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज की हमारी इस परिचर्चा का विषय है विशिष्ट शिक्षा का विकास भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इंडियन प्रोस्पेक्टिव में विशिष्ट शिक्षा का किस प्रकार से विकास हुआ है उसको देखते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग विशिष्ट शिक्षा के विकास का ऐतिहासिक वर्णन देखते हैं तो इसको मूल रूप से दो काल खंडों में हम लोग बांटकर इस पे चर्चा करते हैं। प्रथम, स्वतंत्रता के पूर्व प्री इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट क्या था, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले विशेष शिक्षा के संदर्भ में क्या विकास भारत में हुआ, और स्वतंत्रता पश्चात पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, स्वतंत्रता के बाद जब भारत में अपनी स्वतंत्र सरकार बनी तब क्या विशेष शिक्षा का विकास हुआ, दोनों परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं। तो पहली चर्चा हम लोग शुरू करते हैं, पहला स्वतंत्रता पूर्व विकास प्री इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट। निशक्त व्यक्तियों की देखभाल करना प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति परंपरा का एक अंग रहा है। प्राचीन काल में भारत में कई ऐसे राजा महाराजा संगीतज्ञ दार्शनिक हुए जो किसी न किसी तरह की विकलांगता से ग्रस्त थे। करीब 1,25,000 से अधिक गीतों के रचयिता महाकवि सूरदास और महाभारत कालीन राजा धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे। प्रसिद्ध दार्शनिक अष्टावक्र बहुविकलांग मल्टीपल डिसेबिलिटी के शिकार थे। मध्यकालीन भारत में भी कई ऐसे ठोस साक्ष्य मिले हैं जो बतलाते हैं कि गोपनीय सरकारी प्रलेखों की नकल करने के लिए वाक एवं श्रवण बाधित व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। गुप्त काल में शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं कार्यकलापों के आयोजन किए जाने के भी प्रमाण मिलते हैं। लेकिन विकलांग बच्चों की देखभाल एवं उनकी शिक्षा का व्यवस्थित प्रयास 19वीं सदी में ही शुरू हो सका। भारत में दृष्टिहीन बच्चों की शिक्षा का पहला व्यवस्थित प्रयास क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा शुरू किया गया। वर्ष 1887 में एक क्रिश्चियन धर्म प्रचारक एनी शार्प ने दृष्टिहीन बच्चों के लिए देश का पहला स्कूल पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में खोला। श्रवण अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिए पहला औपचारिक विद्यालय 1882 में मुंबई में स्थापित किया गया था। लेकिन मानसिक मंद बालकों के लिए पहला विशिष्ट विद्यालय 1939 में ही खोला जा सका। माइल्स 1994 ने भी भारत में 19वीं सदी में विकलांग बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा के अस्तित्व की पुष्टि की है। वर्ष 1944 में इंग्लैंड में शिक्षा के सार्वजनिकरण यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए शिक्षा अधिनियम द एजुकेशन एक्ट अथवा बटलर अधिनियम बटलर एक्ट पास हुआ। ठीक उसी वर्ष केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE ने युद्ध पश्चात भारत के शैक्षिक विकास पर एक विस्तृत रिपोर्ट सार्जेट रिपोर्ट प्रकाशित किया। सार्जेट रिपोर्ट का अध्याय 9 निर्योगियों की शिक्षा, सभी बच्चों के विशेष रुझानों का ध्यान रखते हुए विकलांगों के रूप में वर्गीकृत बच्चों का ध्यान रखने की सलाह देता है। इस रिपोर्ट में अस्वीकार किया गया है कि सरकार ने अब तक विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए कुछ खास नहीं किया है। जो कुछ हुआ है वह स्वयंसेवी प्रयासों से हुआ है, सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा ही, सार्वजनिक विभाग में काम करने वाली संस्थाएं जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं अधिकतम उन्होंने ही दिव्यांगता के निर्मूलन दिव्यांगता के प्रशिक्षण में अधिक से अधिक सहयोग किया है। सार्जेंट रिपोर्ट के अध्याय 9 में निम्नलिखित बिंदुओं का भी हवाला दिया गया है। बिंदु संख्या 1, मानसिक अथवा शारीरिक रूप से निर्योग्य व्यक्तियों के लिए बनाया गया प्रावधान राष्ट्रीय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग होना चाहिए तथा इसका प्रशासन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना चाहिए। 2, भारत में सरकारों ने अभी तक शिक्षा की उस धारा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जो कि कुछ भी हुआ है वह लगभग पूरी तरह स्वयंसेवी प्रयासों के कारण हुआ है। 3, जहां भी संभव हो निर्योग्य बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें विशेष विद्यालयों या संस्थाओं में तभी भेजा जाना चाहिए जब ऐसा करना उनके दोष की प्रकृति और सीमा के कारण आवश्यक हो जाए।
अंशतः निःशक्त बच्चों के सामान्यतः विद्यालयों में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। चौथे क्रम में उन्होंने कहा, दृष्टिहीन और बधिर व्यक्तियों को शिक्षा संबंधी विशेष बंदोबस्त की आवश्यकता है। इनमें विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक शामिल हैं। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय संस्थाओं की स्थापना वांछित है, अवश्य होनी चाहिए। उसी को देखकर नवराष्ट्रीय संस्थान एनआईएस की स्थापना भारत में की गई। पांचवें के क्रम में उन्होंने कहा, जहां भी संभव हो कमाऊ रोजगारों के लिए निःशक्तों को प्रशिक्षण देने पर और उनके लिए ऐसे रोजगारों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए परवर्ती सहायता कार्य भी हो, उन्हें लोन्स दिए जाएं, उन्हें स्किल्ड बेस बनाया जाए, जैसे आजकल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्किल्ड अप किया जाता है और विभिन्न प्रकार के सेवा योजन में लगाया जाता है। ऐसा कुछ और आगे आकर के दृष्टि दिव्यांग साथियों को, श्रवण दिव्यांग साथियों को, मानसिक मंद साथियों को अथवा जो शारीरिक दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं उनके लिए कुछ और अधिक आगे आकर के हम स्किल्ड बेस बनाएं और भारत की विकास धारा में उन्हें उपयोगी बनाएं। विश्वविद्यालय विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में यह अनुमान लगाना कठिन है कि भारत में विकलांगों के लिए पर्याप्त प्रावधान करने की क्या लागत आएगी। बुनियादी विद्यालयों और उच्च विद्यालयों से संबंधित कुल व्यय का 10% ऐसी सेवाओं के लिए अलग रखा गया है। इनमें ऐसे प्रावधान भी शामिल है। आशा है यह राशि पर्याप्त हो। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1944 की सिफारिशों के बावजूद भारत में विशिष्ट शिक्षा का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बजाय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के जिम्मे है। आज भी नियमित शिक्षा व्यवस्था का अंग नहीं बन सका है। ऐसी स्थिति रही स्वतंत्रता पूर्व से लेकर के और सब जो बैकग्राउंड का आप लोगों को पढ़ा बताया गया वैसा। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता पश्चात विकास क्या रहा, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट क्या रहा भारत में। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं संवैधानिक प्रारूप या प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा से भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 की रचना हुई और शिक्षा को मानव को बुनियादी जरूरतें समझी गई। इसलिए आम जन की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और बदलाव के लिए शिक्षा को भी एक अहम पहलू माना गया। अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है कि कोई भी नागरिक धर्म, मूल, जाति और भाषाई आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में नामांकन से वंचित नहीं हो सकता। इस तरह 1921 से 1976 तक शिक्षा राज्य सूची स्टेट लिस्ट का अंग रहा, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के जरिए यह समवर्ती सूची कंक्यूरेंट लिस्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। मूल भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत अनुच्छेद 45 के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रयास करेगा। यानी प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण के मसले को वर्ष 1950 से ही एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है, परंतु वर्तमान 46वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इस भावना को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त देने के लिए अनुच्छेद 21 के साथ 21 का जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 का में कहा गया है कि राज्य कानूनन निर्धारित पद्धति से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। संविधान के संशोधन के जरिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड को भी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हासिल करने का मौका मिलेगा। ऐसे बच्चों को शामिल किए बगैर शिक्षा का सार्वजनिकरण बेईमानी होगा। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 5 का में खंड जे के बाद के जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा उपलब्ध कराना माता पिता और अभिभावक का मूल कर्तव्य है। हालांकि ऐसा न करने वाले माता पिता अभिभावकों पर किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। फिर भी संविधान के अनुच्छेद 51 का में खंड जे के बाद का जोड़े जाने यानी बच्चे के साथ माता पिता या अभिभावक पर शिक्षा के अवसर प्रदान कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी तय कर दी जाने के बाद अब बच्चों को स्कूल नहीं भेजे जाने की विफलता के मुख्य कारक के रूप में माता पिता या अभिभावक को चिन्हित होने का भय है।
इससे पहले भी वर्ष 1993 में यूनी के शरण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन एक मूल अधिकार है और सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का उत्तरदायित्व है, किंतु यह अधिकार 14 वर्ष के बच्चों के लिए सीमित है। उच्च शिक्षा के मामले में अधिकार राज्य की क्षमता पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के विकासात्मक इसमें पक्ष रहे। कोठारी आयोग 1964 से 1966 उसको लागू किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लाई गई। तत्पश्चात राममूर्ति कमेटी की संस्तुतियाँ 1990 उनको लागू करने की बात की गई। उनकी सिफारिशों पर चर्चा की गई। महत्वपूर्ण सिफारिशें उन्होंने दी। संशोधित कार्यवाही योजना 1992 को लाया गया। सर्वशिक्षा अभियान SSA वह लाया गया 1986 से। और उसके बाद निःशक्त जन व्यक्ति अधिनियम 1995 में बना, जिसको पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 कहते हैं, जो दिव्यांग जनों के लिए कानूनी प्रावधान देता है। साथ ही साथ आगे बढ़ करके फिर राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के नियम 2000 इन दोनों को लाया गया। बहुविकलांग निःशक्त जन व्यक्ति कल्याण न्यास 1999। और सारांश रूप में अगर हम कहें तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारत में दिव्यांगता का विकास अब पूर्ण रूपेण साकार रूप लेने लगा है। सरकारी स्तर पे जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे अधिक प्राइवेट स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर दिव्यांगजनों की शिक्षा का काम किया जा रहा है। 9 राष्ट्रीय संस्थान NIs इस क्षेत्र में स्थापित हो चुके हैं, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के सेवाएं दे रहे हैं, मानव संसाधन तय कर रहे हैं। अब आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात को मान लेने की कि जिस प्रकार से सामान्य जन सबल भागीदारी समाज में निभाते हैं, उसी प्रकार से दिव्यांग जन भी एक प्रबल भागीदारी समाज में निभाएंगे। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका विकास किया जाए, उन्हें कौशल युक्त बनाया जाए और भारत के विकास में एक प्रमुख भागीदारी के रूप में उन्हें सुसज्जित किया जाए। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर इस विषय से कोई संबंधित आपके मन में प्रश्न है तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।